अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी हाफिज़ा महफूज तारिक एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट कंपाइल एंड रन माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम इन डेफ C++ लैंग्वेज। आज के जो लेक्चर है उसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हम जो है अपना प्रोग्राम C++ लैंग्वेज है जो उसका प्रोग्राम डेफ C++ जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उस पर कैसे राइट करेंगे, कंपाइल करेंगे और उसको कैसे रन करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए जो है सबसे पहले आपके पास आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो है एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, डैट इज़ डेफ C++। ठीक है, ये आपको गूगल से भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन जो है अपेयर हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, न्यू के ऑप्शन पे आपने क्लिक करते हुए सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपके पास जो है ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप फाइल में जाके इसको, ठीक है, सर्च करके न्यू पे जाके सोर्स फाइल पे, या फिर इसके साथ ही एक ऑप्शन दी गई है शॉर्ट की Ctrl+N। अगर आप सिंपली Ctrl+N भी करेंगे तब भी एक न्यू स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी एक न्यू विंडो ओपन है मेरे पास। अगर मैं Ctrl+N करती हूँ, ठीक है, ये देखें, ये Ctrl+N किया तो ये एक न्यू विंडो मेरे पास अपेयर हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपने इसके अंदर अपना प्रोग्राम राइट करना है। ठीक है, राइट करने के लिए अब इसका कोड आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैश। ठीक है, हैश लिखने के बाद आपने क्या करना है, इंक्लूड, INCLUDE। ठीक है, इंक्लूड। ठीक है, अब इंक्लूड जो है इसका क्या मतलब है, ठीक है, इंक्लूड का क्या मतलब है, इसका मतलब है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इंक्लूड का क्या मतलब है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, अगर इनको सेपरेट कर लें, प्री, ठीक है, यानी कि पहले, प्रोसेस का मतलब क्या है, काम। ठीक है, यानी कि काम करने से पहले, ठीक है, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्शन। ठीक है, काम करने से पहले की डायरेक्शन, ठीक है, या काम करने से पहले कुछ चीज़ें अपने प्रोग्राम में ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम काम करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं अपने प्रोग्राम में ऐड करने हैं। ठीक है, अब इंक्लूड का मतलब क्या है, ठीक है, इंक्लूड का मतलब जो है हम सब जानते हैं कि इसका मतलब है ऐड करना। ठीक है, शामिल करना, क्या शामिल करना है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं हेडर फाइल्स को हमने अपने प्रोग्राम्स में ऐड करना है। ठीक है, हेडर फाइल्स, ठीक है, हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करना है। अब जो हमारे पास हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स होती हैं आर कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, प्री का मतलब, प्री डिफाइन का मतलब क्या है, पहले से बना हुआ या पहले से तय शुदा। ठीक है, जो पहले से ही डिफाइन है। ठीक है, अब प्री डिफाइन के एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम न्यू बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐप्स हैं या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही अवेलेबल होती हैं हमारे पास। ठीक है, हमें उनको ऐड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक कैलेंडर, कैलकुलेटर्स, ठीक है, कैमरा उसके अंदर पहले से ही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो फ़ोन के अंदर पहले से ही अवेलेबल होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, हमें उनका इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास C++ लैंग्वेज में भी कुछ जो फंक्शंस हैं वो पहले से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, उन फंक्शंस के बारे में जो है कंपाइलर को नहीं पता। ठीक है, वो फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, वह हैं, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है C in, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है C out का। ठीक है,
अब ये दोनों फंक्शंस हैं, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब सीन का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई भी वैल्यू यूजर से गेट करनी है, ठीक है। और सी आउट का क्या मतलब है कि जो भी चीज हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है उसका मतलब क्या है सी आउट, ठीक है। हमें इन दोनों का मीनिंग तो पता है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता कि सी इन का क्या काम है और सी आउट का क्या काम है, ठीक है। जो हमारे पास सी प्लस ए प्लस लैंग्वेज के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हम ये प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर लें, ठीक है, इंक्लूड कर लें अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को यूज करते हैं तो इनकी सारी जो डिटेल है, इनकी इंफॉर्मेशन है, ये वो सारी कहाँ पे शामिल है, कहाँ पे स्टोर है, इस लाइब्रेरी फाइल में स्टोर है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। ये एक हेडर फाइल है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो है ये इनपुट और आउटपुट के सारे फंक्शन स्टोर हैं, ठीक है। अब आईओ स्ट्रीम क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके अंदर जो है, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो है हमारे पास वो क्या स्टोर है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि जो हमने यूजर से इनपुट लेनी है और जो हमने इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस लाइब्रेरी में स्टोर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये आप समझ लें इसको कि ये एक है जो ना बिल्डिंग फंक्शन है, या जो कि वीडियो स्टूडियो से जो है सी प्लस प्लस के मेन फंक्शंस नेम को ऐड किया हुआ है। इसके बगैर जो है इसको लिखना ज़रूरी है इस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में हमें इसको लिखना ज़रूरी है, अगर हम इसको नहीं लिखते तो जो हमारा रिजल्ट है, हमारा सी आउट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि ब्रैकेट से पहले हमारे पास आएगा इंटीजर मेन, ठीक है, ये आपके पास आएगा, ठीक है। मेन जैसा को पता है कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है हमारे प्रोग्राम की, ठीक है। इंटीजर जो है ये सम सॉफ्टवेयर में कंपल्सरी होता है, और सम में जो है आप इसको ना भी यूज करें तो ये चल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको अब रन करके देखें तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब स्क्रॉल हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे क्या ये आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है हमारा इतना कोड, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेव की, ठीक है, हम इसको सेव कर लेंगे। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइल नेम लिख देना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो जिस नेम से है, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं हेलो वर्ल्ड के नेम से जो है इसको सेव कर रही हूँ। और ये कहाँ पे सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इसको, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको चेक करना है, कंपाइल करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, एग्जीक्यूट की ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कंपाइल। कंपाइल का मतलब क्या हो रहा है कि चेक करना है हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की भी आपके पास F9, अगर आप सिंपली F9 जो ही हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया है, तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे एरर्स क्या है, जीरो है, वार्निंग्स भी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट पे दोबारा जाएंगे, यहाँ पे कंपाइल के नीचे वाली ऑप्शन है रन की, ठीक है। अब F10 भी प्रेस कर सकते हैं रन के लिए, हम रन करेंगे तो हमारे पास ये एक ब्लैंक विंडो अपेयर हो गई है, ठीक है, कि मतलब इतना जो हमारा कोड है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ राइट कर लेते हैं, कुछ डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट वेलकम टू आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम विद महविश तारिक, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम जो कंपाइल तो हो चुका था, उसमें कोई भी एरर नहीं था, अब हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट पे जाएंगे और हम इसको रन करेंगे, सॉरी क्योंकि हमने इसको कंपाइल नहीं किया, एक दफ़ा हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें रिजल्ट्स दोबारा से हमारे पास एरर्स वगैरह जो हैं जीरो हैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है वेलकम टू आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम विद महविश तारिक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो है फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है।
अब सपोज हमने जो है सम लेना है टू नंबर्स का, तो हम वो कैसे लेंगे? ठीक है, तो सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इंटीजर. ठीक है, ए इक्वल्स टू 5. ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है. ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, बी इक्वल्स टू 10. ठीक है, और उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट मैंने क्या लेना है, सम लेना है. ठीक है, तो सम करवाने दोनों नंबर्स पर, यहाँ पर हम एक वेरिएबल्स के ले लेंगे सम इक्वल्स टू 0. ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, सम करवाना है. तो जैसे हम सम का फार्मूला तो हमें पता है सबको, सम क्या होगा, सम इक्वल्स टू होगा किसके, ए प्लस बी के. ठीक है, तो सिंपली अब हम यहाँ पे जाके सी आउट करवाएंगे, सी आउट. ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स. ठीक है, सम ऑफ नंबर्स आर. ठीक है, ये हम लिखेंगे उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर. ठीक है, तो ये हमें डबल कोट्स के अंदर जो है लिखना ज़रूरी होगा. ठीक हो गया, जैसे ही कोट्स लग जाएगा यहाँ पे. ठीक है, आपने कुछ भी लिखना है, सम ऑफ नंबर्स आर या सम ऑफ दीज नंबर्स आर, या सिंपली सम भी लिख देंगे तब भी आपके पास का रिजल्ट शो हो जाएगा. अब यहाँ पे एंगल पर दोबारा से लगा के और सम लिख देंगे. ठीक है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में सम लगाया है. ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोग्राम लिखा गया है सम का. अब हम देख लेते हैं, एग्जीक्यूट पे जाएंगे. तो फर्स्ट हमने क्या करना है, कंपाइल कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है. तो कंपाइल होने के बाद हम देख सकते हैं एरर्स भी 0 है और वार्निंग्स भी 0 है, कि मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक है. अब हम इसको रन कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स आर 15. ठीक है, तो अब हमारा सम भी यहाँ पे शो हो गया है. ठीक है, अब सम ऑफ नंबर्स आर के बाद जो है हमें जो है स्पेस चाहिए सपोज, तो हम यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे लेंगे. ठीक है, और दोबारा से हम इसको कंपाइल कर लेंगे. ठीक है, कंपाइल करना ज़रूरी है हर प्रोसेस से पहले. और अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे दोबारा से. ठीक है, सर. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी आ गई है. ठीक है, सम ऑफ नंबर्स आर 15. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है अपना प्रोग्राम कैसे राइट करना है डॉट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में. ठीक है, उसको कंपाइल कैसे करना है और कैसे आपने इसको रन करना है. ठीक है, की वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, लाइक एंड शेयर. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.